तो केवल एक बेटी मरेगी, इलाज नहीं होगा तो मेरी बेटी इंदू मर जाएगी, लेकिन एक बेटी मर जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सांप पढ़ नहीं पाए तो भारत में कितनी बेटियां मरेगी फिर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। इसलिए रमा ने बेटी का इलाज नहीं करवाया, सारे पैसे अपने पति को भेज दिए और बेटी ने घर के आंगन में दवाइयों के अभाव में अपना दम तोड़ दिया। माता बहनों, ऐसे करके साहब को पढ़ाया था, बाबा साहब को पढ़ाया था, तब जाकर के ये आजादी हमें मिली। माता बहनों, एक समय का बात क्या है, जब रमा को ये पता लगा कि मेरे पति विदेश से लौट करके घर आ रहे हैं, बहुत दिन हो जाते थे पति को देख नहीं पाती थी, विदेश में पढ़ते थे बाबा साहब, यहाँ इंडिया में लोगों को उनको पढ़ने नहीं देते थे, तो रमा भूली नहीं समा रही थी कि मैंने बहुत दिन हो गए अपने पति नहीं देखे। तो रमा सोच रही थी अब लौट करके आ रहे हैं, बाबा साहब जब पढ़ के आ रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया था कि बाबा साहब आएंगे तो पहले उनका सम्मान करेंगे। तो रमा भी अपने घर का काम निपटा रही है, इधर बाबा साहब आ जाते हैं, जैसे रमा ने घर का काम खत्म किया और तैयार हो रही है तो बक्सा खोल दिया अपना साड़ी पहनने के लिए, तो जैसे साड़ी उठाई रमा को याद ही नहीं था, साड़ी ऐसे करके उसने ऊपर की तो साड़ी में छेद हो रहे थे, रो आई रमा, बोली अब कैसे जाऊं, आज मेरे पति आए हैं, साड़ी एक नहीं मुझ पर अच्छी सी साड़ी में छेद हो रहे हैं। रमा ने दूसरी साड़ी भी देखी, वो भी जगह जगह से फट रही थी, रमा आंखों में आंसू भर लाई। तब रमा को याद आया कि एक बार मेरे पति का सम्मान हुआ था तो पगड़ी बांधी गई थी, लंबी सी पगड़ी, वो जरूर कहीं रखी होगी, उसमें कोई छेद नहीं होगा, उसमें कोई मतलब कहीं फटी नहीं होगी, साड़ी नहीं है तो क्या मैं इसे पहन के चली जाऊंगी। तो रमा उसको लपेट करके साड़ी की तरह नहीं पाता हूँ बहनों, जहां पर लंच बनाता वो लाइन में आगे नहीं बैठी, पीछे जाकर के पेड़ के पीछे छुप गई ताकि लोगों को देख ना ले लोग, अरे डॉक्टर पिंडो की पत्नी कैसे कपड़े पहन के आई, क्या पहन के आई है। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब मंच में जब भाषण दे। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।